प्रिय स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12 के। आपके यूपी बोर्ड टचिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए प्रिपेयर करें और अच्छा अंक प्राप्त करें। तो 12th इंग्लिश का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु वाज मुकेश एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड का रिपीटिंग क्वेश्चन है। मुकेश कौन था और उसका क्या एम्बिशन था, लक्ष्य था। देखिए, मुकेश वाज द सन ऑफ ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, गरीब परिवार का ये लड़का था। हुज फादर वाज ए पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, जिसके पिताजी क्या थे, वो बेचारे गरीब चूड़ी बनाने वाले थे फिरोजाबाद में। तो इन्हीं पुअर बैंगल मेकर में ये लड़का था, ये जो मुकेश था, और उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था। हिज एम्बिशन वॉज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, उसका देखिए लक्ष्य यही था कि मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो अपने परिवार के जो बिजनेस था, परंपरागत जो चला रहा था, ये चूड़िया बनाना, फैक्ट्री, तपती फैक्ट्रियों के उस ताप में, घुटन में सहन करने की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। वो सोचता था हम अपने परिवार वालों के बिजनेस से थोड़ा सा अलग हट करके करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द राइट ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम, चूहेदानी विक्रेता कौन था और वह चूहेदानियों को, राइट ट्रैप को आखिर कैसे बनाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिंग क्वेश्चन यूपी बोर्ड। देखिए, राइट ट्रैप सेलर वाज अ पेडलर, वह पेडलर मैंने एक विक्रेता था, फेरी वाला व्यक्ति था जो राइट ट्रैप सेलर था, चूहेदानी विक्रेता, वो फेरी लगा करके बेचने का कार्य करता था वस्तुओं को। हु सोल्ड स्मॉल राइट ट्रैप, हु सोल्ड स्मॉल राइट ट्रैप मेड ऑफ वायर, जो कि छोटी छोटी चूहेदानियों को बेचता था, जो कि तार की बनी हुई चूहेदानियाँ होती थी, उन चूहेदानियों को बेचने का काम करता था। ही वॉज अ बेगर एंड थीप एल्सो, वह भिखारी तो था, भीख मांगता था जो कुछ भी मिल जाए, साथ ही साथ वो चोर भी था, नीयत भी उसकी इस जो है चोर की थी। द राइट ट्रैप सेलर मेड देम हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाई बेगिंग्स इन द स्टोर्स आर एट द बिग फार्म्स, तो उन चूहेदानियों को बनाता कैसे था, जो भी भीख में उसको कुछ मिल जाए उन वस्तुओं से बना लिया करता था, चाहे वो दुकानों से मिल जाए, स्टोर से मिल जाए, या किसी कारखाने फार्म से मिल जाए, उनसे जुटा जुटा करके चूहेदानियों का निर्माण करता था तारों की सहायता से। इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएं यूपी बोर्ड में, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए यूपी बोर्ड की दृष्टि से, व्हाट डिड हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, रिपीटिंग क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ बार बार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी कि जो एच हैमल थे, जो फ्रेंच के गुरुजी थे, उन्होंने फ्रांसीसी लैंग्वेज के संदर्भ में क्या बोला। देखिए, यम हैमल सेड द फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी संसार में सबसे सुंदर ये भाषा है जो फ्रांसीसी भाषा है। इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, ये बहुत ही स्पष्ट है और तार्किक है, लॉजिकल भाषा है। इट वॉज लाइक द की ऑफ द प्रिजन, तो वहाँ के लोगों के लिए, फ्रांसीसी लोगों के लिए ये थाने की जो है जेल के एक की तरह है, उसके चाबी की तरह है, अतः इस पर कमांड बनाना जरूरी है उन लोगों के लिए। रिपीट करके जाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वॉज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ चैप्टर से लिया गया है आपके उस्ताद से, ये स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है, बर्फ पर जो छात्रों का, विद्यार्थियों का प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो क्या है, पूछ रहा जा रहा है। इसे अवश्य ही आप तैयार करके यूपी बोर्ड में चलें, निश्चित तौर पर देखने को आ सकता है। द एम्स ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका जो लक्ष्य है, ये दसवीं के छात्र छात्राओं को, स्टूडेंटों को धरती के दूसरे छोर पर ले जाना है, धरती के अंतिम छोर पर, एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार का अंतिम किनारा है, वहाँ पे ले जाया जाए। और क्या कराया जाए उनके लिए, प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और उन्हें एक शैक्षणिक अवसर दिया जाए उत्प्रेरणा सहित। इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी माने एक प्रेरणा पद शैक्षणिक अवसर प्रदान किया जाए उन स्टूडेंटों को, विच वुड हेल्प देम फॉस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर प्लानेट, जिससे वो क्या हो, उनमें एक नई समझ, एक नया बोध
का फास्टर हो सके, विकास हो सके उनमें, और रिस्पेक्ट फॉर देयर प्लानेट, और अपने इस ग्रह का, अपने इस धरती का, धरती की भौगोलिक स्थिति का सम्मान कर सके, जाने कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, उससे ये सीख लेकर के चले। यही आपका स्टूडेंट आना इस प्रोग्राम का मेन लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पांचवा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, हु वाज हाना, हाउ डिड सी मीट सताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटिंग क्वेश्चन यूपी बोर्ड। दिस इज द क्वेश्चन इन मी चैप्टर, हु वाज हाना कौन थी और हाउ डिड सी मीट सदाओ, सदाओ से आखिर उसकी मुलाकात कैसे हुई। देखिए, हाना वाज वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ, जो सदाओ थे, डॉक्टर सदाओ थे, उनकी ये पत्नी थी हाना। डॉक्टर सदाओ को वो जो सैनिक था, ओल्ड जनरल था, उसके देख रेख के लिए इसको रखा गया था। और ये जो डॉक्टर सदाओ थी, इनकी पत्नी का नाम हाना था। बोथ हाना एंड सदाओ मेट बाय चांस एट अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। तो ये बाय चांस कहा जाए, संयोगवश कहा जाए, हाना और सदाओ ये एक दूसरे से मिले किसी प्रोफेसर, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर एक दूसरे से इनकी मुलाकात हुई, तभी से इनके बीच प्रेम सिलसिला बढ़ा और दोनों एक दूसरे से शादी किए। सो थैंक्स, आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन।